है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेली नंबर वन चैनल। नमस्कार दर्शकों, हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करते हैं किसी एक विशेष बीमारी के बारे में या किसी एक खास थेरेपी के बारे में, और इसके लिए हम स्टूडियो में बुलाते हैं शहर के प्रमुख चिकित्सकों को। आज हम बात कर रहे हैं विश्व की एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में, और भारत में भी इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, मधुमेह, डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि एक खास उम्र के बाद आप इसके प्रकोप में आते हैं, और कई तरह की बीमारियां इससे और भी बढ़ती हैं। आजकल छोटी उम्र में भी डायबिटीज़ देखी जा रही है, जो कि एक गंभीर बात है। हमारे ही शहर के कैंट जनरल हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर कमल राठौर आज हमारे स्टूडियो में हैं, जो कि आज बरेली के फिजिशियंस में एक अग्रिम पंक्ति के डॉक्टर हैं। हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर कमल राठौर साहब से। नमस्कार कमल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत। जिस मधुमेह और डायबिटीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आखिर डायबिटीज़ है क्या चीज़। डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, जिसकी या तो बहुत शरीर में कमी हो जाती है या रिसेप्टर लेवल पे इंसुलिन के रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। इसकी वजह से शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। अच्छा, डायबिटीज़ के टाइप्स भी मैंने सुने हैं होते हैं, तो कितने तरह की होती है डायबिटीज़? मुख्यतः दो तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में मेनली इंसुलिन की कमी होती है, जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे इंसुलिन प्रॉपरली बन नहीं पाता। टाइप 2 में मेनली इंसुलिन होता है, लेकिन उसमें रिसेप्टर लेवल पे रेजिस्टेंस होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के कई और भी सब टाइप्स हैं, जैसे इंसुलिन डायबिटीज़ कुछ और बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी कॉमन बीमारी है जिसमें शरीर में स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे डायबिटीज़ हो सकती है। साथ में कभी कुछ जब दवाओं का अत्यधिक इस्तेमाल से भी डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे कि स्टेरॉइड। उसके अलावा कुछ और कंजेनेटल बीमारी होती हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हैं, इनके साथ भी डायबिटीज़ का बहुत क्लोज एसोसिएशन है। अच्छा, किसी को अगर डायबिटीज़ है जी, तो उसके लक्षण क्या है, कि कैसे पहचाने व्यक्ति की मुझे डायबिटीज़ हो गई है? डायबिटीज़ में मुख्यतः जो मरीज कंप्लेन करता है वो अत्यधिक प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब जाना, खासकर रात में। शरीर में कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है, कोई घाव हो गया, तो वो भरना, बहुत लंबे समय से ना भरना। खाना खाना, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगना, लेकिन उसके बाद भी शरीर का वजन लगातार कम होता चला जाना जी। ये तो डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ में मरीज को ज़्यादा समय हो चुका है और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो हो सकता है कि मरीज या तो आँखों की कमजोरी, लगातार उसका जल्दी जल्दी चश्मे का नंबर बदल रहा हो, या मरीज के चेहरे पे सूजन आ रही हो, यानी गुर्दे में कोई परेशानी हो, या हाथ पैरों में सुन्नपन हो। कई बार कई मरीज अपने साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ पेश करते हैं, जिसमें कि उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको जब प्रॉपर वे में स्क्रीन किया जाता है तो वो डायबिटीज़ पेशेंट निकलते हैं। अच्छा, यानी कि नपुंसकता जो है उसका कारण भी डायबिटीज़ हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने बताया कि डायबिटीज़ क्या है और कितनी तरह की है और कैसे पहचानी जा सकती है। प्राइमरी स्टेज में किसी ने डायबिटीज अपनी पहचान ली, अवेयर है, टेस्ट करा लिया, तो इसको रोका कैसे जा सकता है प्राइमरी स्टेज? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि डायबिटीज में दो स्टेज हम लोग रखते हैं, एक होती है इम्पेयर्ड ब्लड शुगर, एक होती है फ्रैंक डायबिटीज। इम्पेयर्ड ब्लड शुगर का मतलब है कि पेशेंट की ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन डायबिटीज फुल फ्रैंक डायबिटीज रेंज में नहीं पहुंची है जी। दूसरी एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें पेशेंट पूरी तरह से डायबिटिक रेंज में जा चुका है, लेकिन अगर पेशेंट बिल्कुल शुरुआती स्टेज में हमारे पास आता है, तो डाइट रेस्ट्रिक्शन, बॉडी की पेशेंट की अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से काफ़ी हद तक डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में अगर शुरुआती दौर में है, तो प्रॉपर वे में हम लोग ड्रग्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी ड्रग उसको दी जाए। जैसे अगर डायबिटीज़ टाइप 1 है तो हमें उसमें इंसुलिन प्लान करना पड़ेगा, अगर टाइप 2 है तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स,
लेकिन अगर शुरुआती दौर में है तो मरीज को कॉम्प्लिकेशन से बहुत अच्छी तरह से बचाया जा सकता है। इसलिए अगर शुरुआती दौर में डायबिटीज पता चल जाती है तो ये मरीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ग्रसित है, उसका डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसका प्रॉपर इलाज क्या है? उसमें हमें डायबिटीज को प्रॉपर वे में स्क्रीन करना होता है। जैसे डायबिटीज तो एक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हो गया। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है, चाहे वो आंखें हों, चाहे हृदय हो, चाहे गुर्दे हों, चाहे आंतें हों, चाहे सब बॉडी का नर्वस सिस्टम हो। तो उसके हिसाब से हमें इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्रॉपर वे में देखते चलें कि डायबिटीज़ में हम किस स्टेज पे कौन से पेशेंट की कौन सी प्रॉब्लम है। अच्छा, कितनी विनाशकारी हो सकती है डायबिटीज? डायबिटीज़ बहुत विनाशकारी हो सकती है। जैसे डायबिटीज़ अगर प्रॉपर वे में कंट्रोल ना की जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को हार्ट अटैक तक हो सकता है, क्योंकि इसमें इसके माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़, कई बार मरीज पैरालिसिस फालिस के साथ हमारे पास आता है। कई बार मरीज अगर बिल्कुल शुगर का कंट्रोल नहीं कर रहा है तो गुर्दे खराब हो सकते हैं और बिल्कुल गुर्दे फेल होके आता है। यानी कि आपके शरीर के बड़े अंग जो हैं वो इससे ग्रसित और बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज में मेनली दो तरह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अगर हम डॉक्टरी भाषा में लेते हैं, माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रो में मेनली हमारे आते हैं रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और जो हमारी नेफ्रोपैथी, मतलब आंख का पर्दा कमजोर होना, गुर्दे में परेशानी आना और शरीर की नसों का, हाथ पैरों में सुन्नपन, झनझनाहट। जबकि उसके मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में जो मेनली हमारे हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज हो सकती हैं, जिसमें पैरालिसिस वगैरह हो सकती है, या फिर खून के शरीर की नसों की कमी जिसे हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कहते हैं, इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है जी, अगर उनके साथ कोई एक आध छोटी मोटी बीमारी और भी जुड़ी है, हाइपरटेंशन है या कुछ भी है, तो वो मेरे ख्याल से मुट्ठी भर दवाइयाँ सुबह शाम खाते हैं, तो क्या बगैर दवाइयों के भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? डायबिटीज को कंट्रोल में बेसिकली हमारा जो टारगेट लेवल होता है उसमें हमें फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से 130 के बीच, और जो हमारा पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के दो घंटे बाद का जो ब्लड शुगर 180 से नीचे रखने का टारगेट होता है, जिससे मरीज को कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। तो उसमें पेशेंट की डाइट का और उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर मरीज प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको दवाओं की मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डायबिटीज़ की स्टेज के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि ये मरीज केवल दवाओं बिना दवा के सही हो सकता है। इम्पेयर्ड ब्लड शुगर स्टेज में हाँ, बिना शुगर के, बिना दवाओं के मरीज मेंटेन रह सकता है। अच्छा, लेकिन फ्रैंक डायबिटीज स्टेज में जाने में उसे एक मिनिमम अमाउंट में इतनी शुगर के लिए दवा लेनी पड़ेगी जो उसके ब्लड शुगर को इस रेंज में रख सके। किस तरह की दिनचर्या और किस तरह का लाइफ मैनेजमेंट आप डायबिटीज के साथ, एक तो प्रॉपर लाइफ मैनेजमेंट होता है जो नॉर्मल आदमी को करना ही चाहिए, लोग उतना भी नहीं करते, लेकिन अगर आप एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो आपको बीमारी है, तो किस तरह का लाइफ मैनेजमेंट आपको चलाना चाहिए? डायबिटीज में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉरल सपोर्ट। पब्लिक में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि मुझे डायबिटीज हो गई तो मैं बेकार हूँ, ऐसा नहीं है। डायबिटीज का मरीज एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, केवल उसको बेसिक चीज़ क्या होती है कि बॉडी को एक्टिव रहना। उसके लिए हम लोग जो पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट वो 30 मिनट ब्रिस्क वॉक मतलब तेज चलना, कम से कम रोज का कम से कम 30 मिनट और हफ्ते में कम से कम 5 दिन जरूर करें, जिससे बॉडी का पूरा ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है और ब्लड शुगर लेवल के नॉर्मल होमोस्टेसिस मेंटेन होती है। सेकेंड थिंग, डाइट में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ले रहा है तो उसमें सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स ले। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जहाँ हमारे पास, जैसे हम आटा खाते हैं तो उसमें ब्रान जो उसके साथ मिक्स हो, उसमें फाइबर डाइट लेने से भी ब्लड का ग्लूकोज होमोस्टेसिस मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़, मरीज को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर वो फैट ले रहा है तो फैट में उसको अनसेचुरेटेड फैट की अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, उसको बेसिकली हम पॉलीसेचुरेटेड जैसे देसी घी या डालडा वगैरह अवॉइड करवाते हैं। उसके अलावा मरीज को हम प्रोटीन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करवाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग स्टेज में मरीज के गुर्दे को प्रॉब्लम होने वाली है,
तो उसको पहले से ही हम रोक सकते हैं। साथ में मरीज को हम कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम कोई फल नहीं खा सकते, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फल खा सकते हैं। फलों को हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा कैलरी जिनमें है, एक में मीडियम, एक में लो। लो कैलरी वाले जो मेनली फल हम लोगों के पास हैं उसमें सेब, कच्चा अमरूद, तरबूज, आजकल के समय में मौसम में जामुन। अगर हम इसे कम अमाउंट में लेते हैं, दिन में एक बार अगर इसमें से कोई फल, तो शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जामुन तो डॉक्टर साहब डायबिटीज के लिए एक वरदान समझा जाता है। हाँ, आयुर्वेदिक में लोग कहते हैं, मैं इसकी मुझे ज्यादा नहीं है, कि हाँ, आयुर्वेद में लोग कहते हैं डायबिटीज वालों को जामुन के लिए कहा जाता है, लेकिन बेसिक चीज यही है कि पेशेंट अगर डाइट अपनी और प्रॉपर एक्सरसाइज करे तो उसको दवाओं की जरूरत बहुत कम हो जाती है। खास तौर से जो भी एरोबिक करें या जो करें वो आधे घंटे तक मेंटेन रखें। हाँ, जो हम लोग आइडियल बॉडी रिक्वायरमेंट करने से फायदा नहीं, नहीं। है। भले ही आप 5 दिन करें, 2 दिन नहीं करते हैं बॉडी को एक्सरसाइज रिलैक्स करने के लिए, लेकिन अगर करते हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट करना चाहिए। जब डायबिटीज किसी को होती है और लोग उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो और बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में दावत देती है। जी, वो बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर डायबिटीज प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं है तो मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम्स, जिसमें मेनली ब्लड प्रेशर बढ़ना और बाद में एंजाइना या फ्रैंक हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, पेशेंट का गुर्दा खराब हो सकता है, हाथ पैरों में सुन्नपन आना जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम कहते हैं, या इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेशेंट्स में सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मेल में मेनली प्रॉब्लम होती है ये हो सकती है। साथ में आंखें, रेटिनोपैथी होती है, रेटिनोपैथी ग्रेजुअली एडवांस होती चली जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट को कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। अभी आपने शहर के एक बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी का इंसुलिन लेवल काफ़ी कम किया, और किस तरीके से आपने ये इंसुलिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरीके से आप एक काम करते हैं कि इतने घातक जो आपकी बीमारी की अप्रोच होती है उसे धीरे 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 आप एक नॉर्मल स्टेज तक ले आते हैं। डायबिटीज़ के मरीज में जो हम लोगों को मेन देखना होता है वो ब्लड शुगर और डायबिटीज़ किस स्टेज में है। जैसे कि डायबिटीज़ अगर टाइप 1 है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें मेनली इंसुलिन देना पड़ेगा क्योंकि शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो उसमें हमें इंसुलिन स्टार्टिंग से ही देना पड़ेगा। सेकेंड, अगर इंसुलिन के भी कई टाइप्स होते हैं। हाँ जी, इंसुलिन स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे 3 तरह का होता है, बोवाइन, पोर्साइन, ह्यूमन। बोवाइन पोर्साइन जानवरों से और ह्यूमन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से ह्यूमन के लिए रिकॉम्बिनेंट तैयार किया जाता है। आज के ज़माने में केवल हम लोग ह्यूमन इंसुलिन यूज़ करते हैं, वो भी 3 तरह का होता है, शॉर्ट, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग और कॉम्बिनेशन। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग बेसिकली रेगुलर देके पेशेंट को उसकी जो कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितनी इंसुलिन रिक्वायरमेंट है, बाद में हम उसे उसकी डाइट के अकॉर्डिंग मिक्स प्रिपरेशन पे मेंटेन कर देते हैं। मिक्स 30-70 और 50-50 दो स्ट्रेंथ आती है। साथ में अगर पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए इस समय बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेन ग्रुप जो हमारे पास थायलोजाइडोन, हमारे पास विगोनाइड्स होते हैं, हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, बेसिकली ये सब टाइप्स हैं। इनमें हम डायबिटीज़ के लिए वो दवाएं देते हैं जिनसे इंसुलिन का बॉडी में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम हो और उनका सिक्रीशंस बढ़े, तो जो बॉडी का अपने अंदर का इंसुलिन है वो पेशेंट के बेसिकली यूज़ हो और उससे ब्लड शुगर नीचे आए। लेकिन अगर पेशेंट में एंड स्टेज डिजीज़ होने लगते हैं, जैसे कि मैंने किडनी का बार बार बताया, नेफ्रोपैथी है या कार्डिक प्रॉब्लम है, तो या रेटिनोपैथी हो गई है, तो उस स्टेज में फिर हम लोगों के पास ऑप्शन इंसुलिन बचता है, तब हमें इंसुलिन उसमें प्लान करना पड़ता है। आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आप कितने पेशेंट जो है वो डायबिटीज के पा रहे हैं? जैसे कि मैं पहले से आज के हिसाब से देख रहा हूँ तो डे बाई डे नंबर ऑफ पेशेंट्स डायबिटीज के बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि आज के ज़माने में मीडिया, मैगजीन सब में डायबिटीज़ के इतना सिम्टम्स बताए जाते हैं कि मरीज़ को ज़रा भी अगर प्रॉब्लम है तो वो तुरंत जाके स्क्रीन कराने डॉक्टर के पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे डायबिटीज़ है। दूसरी चीज़ कि पहले ज़माने में लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए आसपास के
डॉक्टर से दवा लेके और इलाज करा लेते थे, लेकिन आजकल वो लोग क्वालिफाइड डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो क्वालिफाइड डॉक्टर को अगर जरा भी सिम्टम्स फील होते हैं तो स्क्रीनिंग में डायबिटीज़ निकल आती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स डे बाय डे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए ये भी कहा जाता है कि आपकी बैली बाहर नहीं आनी चाहिए, पेट बाहर नहीं आना चाहिए। जिनकी बैली बाहर आने लगती है यानी कि आप धीरे धीरे डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल। टाइप 2 डायबिटीज़ का ओबेसिटी मोटापे से बहुत क्लोज एसोसिएशन है, क्योंकि ये एक हेरिडिटी होता है। और जो भी लोग ओबेस होते हैं, जिसमें हम बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई पेशेंट जिसका वेट लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, उसे कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉपर स्क्रीन कराना चाहिए कि कहीं वो डायबिटीज़ तो नहीं है। अच्छा, जब भी कोई बीमारी होती है, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो सेक्सुअल डिजीज़ हो, कुछ भी हो, तो बीमारी के साथ भ्रांतियाँ जरूर चलती हैं जी। डायबिटीज़ के साथ क्या क्या भ्रांतियाँ हैं? पहली चीज़, डायबिटीज़ के साथ, जो वैसे तो खैर अब इतनी ज़्यादा नहीं रही, डायबिटीज़ कंटामिनेटेड डिजीज़ नहीं, मतलब डायबिटीज़ एक आदमी से दूसरे में नहीं फैल सकता। पहली चीज़ बहुत कॉमन है, हालांकि आप इस चीज़ पर ज़्यादा बहस नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि डायबिटीज़ में एक ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर किसी मरीज़ को इंसुलिन पे हमने मेंटेन करा तो उसे ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर डायबिटीज़ टाइप 1 है, मीन्स सिंस बर्थ या बचपन से है, तब तो आपके साथ मजबूरी है कि उसमें, और आपके पास इंसुलिन है ही नहीं बॉडी में, तो देना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, स्ट्रेस कंडीशंस हैं, ऑपरेशन होना है, कहीं इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें अर्ली स्टेज में इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन जब बॉडी की कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो हम उस कंडीशन के बाद डायबिटीज़ उसके पेशेंट को इंसुलिन से वापस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग इसीलिए इंसुलिन के नाम से घबराते हैं जी। ऐसा नहीं है जी। इंसुलिन केवल तभी दिया जाता है जब उसकी ज़रूरत है, क्योंकि और क्या है? और इसके अलावा बाकी डायबिटीज़ के साथ कई लोग इधर उधर भागते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज घरेलू नुस्खों में ढूंढते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ शुरुआती दौर में मरीज को कुछ नहीं प्रॉब्लम करेगी, लेकिन वो अल्टीमेटली धीरे 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 शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती चली जाती है। जैसा मैंने अभी कहा कि युवाओं में पहले नहीं देखी जाती थी और किशोरावस्था में भी नहीं देखी जाती थी, अब वो किशोरावस्था में भी डायबिटीज देखी जा रही है, ये क्या कारण है? ये मेन वजह वही है, अवेयरनेस। क्योंकि आज के ज़माने में जब हम लोग देखते हैं सिम्टम्स हैं, अगर किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर उसमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तुरंत शुगर टेस्ट कराते हैं और डायबिटीज़ निकल के आती है। उसका बेसिक रीज़न यही है, एक ही शब्द में, कि पब्लिक अवेयरनेस, जिसमें पहले लोग डायबिटीज़ का अपने टेस्ट ही नहीं कराते थे और लोगों में ये था कि डायबिटीज़ तो 40 साल के बाद की बीमारी है, है वो टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो एक दिन के बच्चे में भी हो सकती है। ओके, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ बचपन में नहीं हो सकती। ठीक। और जो बचपन में है उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें ज़्यादा कॉशियस होना है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं है तो हमें बाहर से प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन को देना है, जिससे बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके, उसका बॉडी स्ट्रेंथ बराबर, बॉडी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे जी। क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जिससे बॉडी में स्ट्रक्चर, बॉडी की मेंटेनेंस होती है। बड़े बड़े प्रचार मैगजीन्स में, जहां अवेयरनेस की बात आपने कही, या फिर खास तौर से स्काई शॉप में जी, है ना, टीवी पे अक्सर विज्ञापन आते हैं कि ये चाय या ये दवाई डायबिटीज को खत्म कर देती है जड़ से, जबकि किसी भी चीज का एक जो प्रॉपर इलाज होता है वो खास तौर से मेडिसिंस और उसमें पड़े हुए सॉल्ट्स जो होते हैं वो उसका इलाज कर सकते हैं। इन खास तौर पर ये तथाकथित चाय या उन तथाकथित पाउडर्स के बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी लाइन से रिलेटेड हूँ। और जहाँ तक एलोपैथ में हमारी बात करते हैं, तो एलोपैथ में हम हर चीज़ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, हर चीज़ का प्रॉपर बेसिस है जिसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अब वो जो एट है उसमें तो वही लोग बता है, सकते वो हैं क्यों है, उसमें क्या कंपोजिशन है, उसके बाद ये वही लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जी हाँ। एक और चीज़ है कि प्रेगनेंसी में, हाँ जी, भी जो अगर डायबिटिक लेडी है और उसे प्रेगनेंसी है तो किस तरह के ख्याल रखने चाहिए, और डायबिटिक और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशनशिप है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार क्या होता है, दो पॉइंट हैं, एक तो डायबिटीज़, अगर कोई ऑलरेडी डायबिटीज़ फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है, दूसरा ये है कि नॉर्मल फीमेल है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान
उसमें उसका ब्लड शुगर डायबिटिक रेंज में पहुंच जाता है। इस समय हम लोग डायबिटीज़ नॉर्मल वे में नहीं डिसाइड करते, इस समय हम टू स्टेप टेस्ट कराते हैं। उसका ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसमें टू स्टेप शुगर कराने पे अगर उसमें आ रहा है तब हम लोग मानते हैं। तब हम लोगों को बहुत कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुई तो सबसे मेन तो यह है कि मदर का जो ब्लड शुगर लेवल हाई है, वो फीटस जो है, फीटस की बॉडी में बीटा सेल्स पेंक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन का हार्मोन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बच्चे का साइज एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है। बच्चे का साइज वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को बर्थ इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। मदर में जब ब्लड शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो प्री एक्लेम्प्सिया और एक्लेम्प्सिया में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी की स्टेज में डायबिटीज़ को स्टेटस को नॉर्मल रखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, और इस समय हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो है इंसुलिन, क्योंकि हम और कोई दवा नहीं देते हैं, वो प्लेसेंटा से क्रॉस करती है, बच्चे को नुकसान, फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाइयाँ किसी भी कीमत पर, जी, जो उनको कैल्शियम आयरन चाहिए वो तो एक अलग बात हो गई, जी जी, और कोई दवाइयाँ नहीं, पेन किलर्स भी मना किए जाते हैं, बिल्कुल मना किए जाते हैं, नहीं देना चाहिए। तो ये इंसुलिन वगैरह हमारे पास इंसुलिन सेफ है, लेकिन और कोई भी दवा हम लोग के अब तक जो स्टडीज हैं उसमें सेफ साबित नहीं हुई है। तो अगर प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखना है और हमें देना पड़ रही थी ये दवा, तो हमारे पास ऑप्शन इंसुलिन होता है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, के बाद प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद बहुत सी फीमेल्स अपने नॉर्मल स्टेटस में आ जाती हैं। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुई उसे, तो वो लाइफ लॉन्ग डायबिटीज रहेगी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, उसमें काफ़ी परसेंटेज में ऐसा देखा गया है कि वो लोग बाकी नॉर्मल रेंज में अपने आ जाते हैं। जी, दूसरी चीज़, आजकल जिस तरह बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर आदमी अपने बिजनेसेस में या अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ है कि चाहने के बाद भी चिंताएं उसके दिमाग से दूर नहीं होती। जब वो अपने काम से घर लौट के आता है तब भी वो रिलैक्स नहीं होता, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग नींद में भी रिलैक्स नहीं होते हैं, नींद में भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से शुरू होता है हाइपरटेंशन। बिल्कुल, हाइपरटेंशन भी हो गया और डायबिटीज़ आपको पहले से है, तो ये दो मार कैसे सहेगा एक इंसान? ये दोनों वाकई में अगर आप कहें तो इन दोनों का चोले दामन का साथ है, क्योंकि डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं लॉन्ग टर्म, उनमें भी हाइपरटेंशन हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज़ का इटसेल्फ कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन है, तो अल्टीमेटली तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को फिर ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाएं देनी है, पहली चीज़ तो वही, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस रिलीफ करना, सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना। तीसरी चीज़ हम लोगों को फिर ऐसी दवाएं देखनी पड़ती हैं जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों पे इक्वली इफेक्टिव हों और दोनों के लिए बेनिफिशियल हों। मतलब हम ब्लड प्रेशर की ऐसी दवा ना दे दें जो डायबिटीज़ को नुकसान दे, और डायबिटीज़ में ऐसी ना दें जो ब्लड प्रेशर हमारा बिगड़े। तो हमारे पास ड्रग्स ऐसी अवेलेबल हैं जिनसे हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को सिंगल ड्रग दे के कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और, डायबिटीज़ के मरीज को मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इधर मेहमान ने मिठाई रखी नहीं और उधर उनका हाथ मिठाई की तरफ बढ़ा नहीं, लाख कंट्रोल के बाद भी डायबिटीज़ के मरीज का हाथ मिठाई की तरफ चला जाता है, उसको रोकने कोई दवाई नहीं है। डायबिटीज़ में जैसे फिर बार 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 आती है कि डायबिटीज़ का मरीज़ भी आम मरीज है, वो भी हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो मिठाई खा लेता है, अगर खा लेता है, तो फिर उसको अपने बॉडी में उतनी कैलोरी का कंजम्पशन करना चाहिए ताकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा ना बढ़े, यानी कि उसको उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो वर्ल्ड के मायने में हिंदुस्तान में डायबिटीज़ का क्या रेशो चल रहा है इस समय? डायबिटीज़ का नो डाउट ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जा रहा है। वर्ल्ड में पहले डायबिटीज़ के मामले में इंडिया को बहुत ही पीछे माना जाता था, लेकिन आज जैसे कि डे बाय डे केस, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वर्ल्ड मैप पे इंडिया का नाम आ रहा है, और वो बेसिकली सिर्फ इसीलिए है कि पब्लिक अवेयरनेस हुई है,
प्रॉपर वे में स्क्रीनिंग हो रही है, डायबिटीज़ के पेशेंट डे बाई डे डायग्नोस हो रहे हैं। तो दोस्तों, बीमारी तो खतरनाक है, बच के रहिए इससे। केवल अपनी दिनचर्याओं से आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी वेस्ट लाइन ना बढ़े, आपकी बैली बाहर ना आए, और अगर हो ही गई है तो प्रॉपर इलाज ले लीजिए उसका। इंसुलिन जैसी चीज़ों से भी घबराइए नहीं, और अगर मिठाई खाने की बहुत इच्छा है तो उस रात का डिनर या उस दिन का लंच आप स्किप कर दीजिए, तभी आप इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी है, लड़ लीजिए इससे। क्यों डॉक्टर सर? बिल्कुल डॉक्टर राठौर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने का। दोस्तों, हेल्थ एंड केयर आपका अपना प्रोग्राम है, इससे जुड़िए। और किस तरह की बीमारियों पर आप किन डॉक्टर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए इस पते पर। कार्यक्रम हेल्थ एंड केयर, विश्वाना भवन, 103 सिविल लाइंस, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फोन 9359111011। तो अगले हेल्थ एंड केयर में हम आपसे मिलेंगे एक नई बीमारी पर या नई थेरेपी पर चर्चा करते हुए शहर के किसी प्रमुख चिकित्सक से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेली नंबर वन चैनल।